नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके क्लासेस में। दोस्तों, डेली एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आरके क्लासेस में। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग सरकारी योजनाओं को देखेंगे। यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। पिछले 4 साल से जितने भी योजनाएँ लागू की जाती है उनका प्रभाव एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। कोई भी एग्ज़ाम बिना योजना के पूछे नहीं रहता है। लगभग सभी एग्ज़ाम में योजनाएं पूछे जाती है। आने वाले रेलवे या बीपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे आप क्वेश्चन श्योर कर सकते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिससे प्रश्न बनते ही बनते हैं, जैसे युद्ध अभ्यास हो गया, योजनाएं हो गई, सरकारी योजनाएं हो गई, बजट हो गया। इन सब टॉपिक को आप विशेष रूप से तैयार करें। आज हम लोग देखेंगे सरकारी योजनाएं। आइए देखते हैं। ऋण राहत योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ऋण राहत योजना असम की सरकार ने शुरू किया है। नाम से स्पष्ट है, ऋण राहत योजना असम सरकार ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अटल आयुष्मान योजना किस राज्य में शुरू हुआ? तो अटल आयुष्मान योजना शुरू हुआ है उत्तराखंड में। अटल आयुष्मान योजना कहाँ शुरू हुआ है? उत्तराखंड में। और ऋण राहत योजना कहाँ शुरू हुआ है? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY की ऋण अवधि कब तक बढ़ा दी गई? तो प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY की ऋण अवधि मार्च 2020 तक बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आमा घरे LED योजना किस राज्य ने शुरू किया? तो आमा घरे LED योजना शुरू किया उड़ीसा सरकार ने। आमा घरे LED योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन फैमिली वन जॉब योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो वन फैमिली वन जॉब योजना शुरू किया है सिक्किम ने। वन फैमिली वन जॉब योजना शुरू किया है सिक्किम ने। हमने देखा ऋण राहत योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया? असम ने। अटल आयुष्मान योजना किसने शुरू किया? उत्तराखंड ने। प्रधानमंत्री आवास योजना की अवधि कब तक बढ़ा दी गई? मार्च 2020 तक। अमा घरे LED योजना किस राज्य ने शुरू किया? उड़ीसा सरकार ने। और वन फैमिली वन जॉब योजना किस सरकार ने शुरू किया है? सिक्किम की सरकार ने। दोस्तों, आप इसे लिखकर समय समय पर जरूर रिवाइज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जय किसान मुक्ति योजना जो कि कर्ज माफ़ी से संबंधित है किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो जय किसान मुक्ति योजना शुरू किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। जय किसान मुक्ति योजना मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। प्रवासी लाभांश पेंशन योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो प्रवासी लाभांश पेंशन योजना शुरू किया है केरल की सरकार ने। और जय किसान मुक्ति योजना शुरू किया था मध्य प्रदेश ने। प्रवासी लाभांश पेंशन योजना शुरू किया गया है केरल की सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युवा स्वाभिमान योजना किस राज्य ने शुरू किया? तो युवा स्वाभिमान योजना शुरू किया है मध्य प्रदेश ने। और मध्य प्रदेश ने ही जय किसान मुक्ति योजना को शुरू किया है। युवा स्वाभिमान योजना संबंधित है मध्य प्रदेश से। अगला सवाल देखते हैं। सार्वभौमिक मुखिया वृद्धावस्था पेंशन योजना MMVPY किस राज्य ने शुरू किया है? तो सार्वभौमिक मुखिया वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू किया है बिहार राज्य ने। सार्वभौमिक मुखिया वृद्धावस्था पेंशन योजना किस राज्य ने शुरू किया? तो ये शुरू किया है बिहार ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू किया गया है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू किया गया है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा। हमने देखा वन फैमिली वन जॉब योजना शुरू किया है सिक्किम ने। जय किसान मुक्ति योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा। प्रवासी लाभांश योजना शुरू किया है केरल की सरकार ने। युवा स्वाभिमान योजना शुरू किया है मध्य प्रदेश ने। सार्वभौमिक मुखिया वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू किया है बिहार सरकार ने एवं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू किया है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने। आगे बढ़ते हैं, खुशी योजना को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी? तो खुशी योजना को उड़ीसा सरकार ने मंजूरी दी है। खुशी योजना को उड़ीसा सरकार ने मंजूरी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री किसान योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो प्रधानमंत्री किसान योजना का शुभारंभ किया गया है गोरखपुर से। ऐसे प्रश्नों में अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रधानमंत्री किसान योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया? गोरखपुर से। अगला सवाल देखते हैं, मीठी क्रांति योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई? मीठी क्रांति योजना की शुरुआत हुई है झारखंड में। मीठी क्रांति योजना की शुरुआत हुई है झारखंड में। हमने देखा सार्वभौमिक मुखिया वृद्धावस्था पेंशन योजना किस राज्य ने शुरू किया? तो ये शुरू किया है बिहार ने। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो ये शुरू किया है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने। खुशी योजना को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी? उड़ीसा ने। पीएम किसान योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? गोरखपुर में। और मीठी क्रांति योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो ये शुरुआत हुई है झारखंड में। दोस्तों ये थे अब तक के महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं। आप इसे अच्छे से तैयार करें, अन्य योजनाओं के आने पर आपको इससे अवगत अवश्य कराया जाएगा। इसे अच्छे से तैयार करके समय समय पर रिवाइज करें। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।